हेलो एवरीवन, कसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सर्कल के बारे में, एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर सकते हो। तो देखो ध्यान से सबसे पहले कि सर्कल की इक्वेशन आप कैसे पहचानेंगे, तो वेरी सिंपल है, पॉइंट्स आप पे ध्यान रखना। सर्कल की इक्वेशन आप कैसे पहचानेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशेंट पॉजिटिव होना चाहिए और इसके आगे जो नंबर होंगे इन दोनों के आगे वो इक्वल होना चाहिए, लाइक 5, 5, 6, 6, 7, 7 ऐसा। बट हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करके 1, 1 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये पॉइंट का ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट आपको 1 बना लेना है किसी भी फॉर्म में गिवन है तो, और वाई स्क्वायर का भी कोफिशियंट 1 बना लेना है, डेट मीन्स इक्वल कर लेना और इक्वल में 1 बना लेना अगर 1 आगे कोफिशियंट ना गिवन हो तो। और दोनों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। बात समझ में आ गए। उसके बाद x के कुछ कॉफिशेंट होंगे, y के होंगे और सम कांस्टेंट टर्म होगी, इज इक्वल टू जीरो। तो पॉइंट वही है एक कि इक्वल साइन के राइट साइड में आपको जीरो रखना है, कुछ भी कांस्टेंट टर्म है तो सबको उधर ले लेना है, लेफ्ट में पूरा रखना है, राइट में इक्वल टू जीरो करना है। तो अगर इस फॉर्म में ले आएंगे जैसा कि यहाँ पे मैंने एक दिखाया, तो ये एक सर्कल की क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, सर्कल का सेंटर अगर निकालना होगा तो x के जो कॉफिशेंट है, जो भी साइन है उस साइन के साथ, तो x के कॉफिशेंट का हाफ कर देना है, और ऑलरेडी बाहर नेगेटिव ले रहा हूँ, आपको यहाँ पे विथ साइन पुट करना, ध्यान रहे। x का जो भी कॉफिशेंट होगा, जो साइन होगा आगे, वो साइन के साथ उसका आधा कर देना वैल्यू, और ऑलरेडी माइनस लगा देना। वैसे ही y के कॉफिशेंट का आधा विथ साइन पुट करेंगे, ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है, तो आपको सर्कल का सेंटर आ जाएगा। वेरी सिंपल, x के कॉफिशेंट का आधा, y के कॉफिशेंट का आधा, जो भी यहाँ पे साइन होगा उस साइन के साथ यहाँ पे रखना, और एक साइन ऑलरेडी माइनस पहले से ले लेना। डैट मीन्स यहाँ पे अगर प्लस है तो ये वाला जो सेंटर होगा इसका वो माइनस वाले में होगा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, राइट। रेडियस कैसे निकालेंगे, तो वेरी सिंपल, जो ये जो दो पॉइंट आपने निकाला है एक्स वन वाई वन सेंटर, उन दोनों का स्क्वायर करना है, और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको विथ साइन पुट कर देना, ध्यान दे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, जो x के कॉफिशेंट का आधा किया, y के कॉफिशेंट का आधा किया, डेट इज x1 y1, उसको तो स्क्वायर कर दिया, तो नेगेटिव वो पॉजिटिव वो डजेंट मैटर, राइट। सिर्फ यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, माइनस c, पहले ही माइनस लिया है तो c जिस साइन के साथ होगा वो साइन के साथ पुट करना, ये ध्यान रहे। ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, डेट मीन्स यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस होता है यहाँ पे तो माइनस हो जाता। तो सेंटर निकालना इजी है, रेडियस निकालना इजी है, और ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे इसी से मैं अब एक पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ, कभी भी सर्कल का क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लो ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि जो सेंटर होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो -3 होगा, तो आप क्विकली एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लें, और -3 ध्यान से देखो, -1, -2, -3 यहाँ हो गया, तो ये हो गया -3 मेरा, राइट। और वाई का कोफिशियंट का आधा, तो प्लस में 2, तो 1, 2 ऊपर में जाएंगे, तो ये हो गया 2, तो ये सेंटर आ गया आपको। अब आपको मालूम है रेडियस निकाल सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 13, और माइनस प्लस हो जाएगा तो 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो रेडियस 4 होना चाहिए। तो अगर मैं इसी लाइन पे चलूं, तो इस लाइन पे चलने का मतलब क्या हो गया कि आपने y को फिक्स कर दिया, तो मुझे रेडियस 4 चाहिए, तो 4 यूनिट जाना पड़ेगा मुझे इधर, तो 1, 2, 3, 4, इसलिए एक यहाँ पर आएगा। इसका मैं कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ, ये तो y एक्सिस 2 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 1, 2, डैट मीन्स ये सर्कल 1, 2 से पास होगा, आप देख सकते हो, पुट करके सेटिस्फाई करेंगे एकदम बिल्कुल ऐसे। इसी लाइन पे चल रहे हैं, तो ये तो y कोऑर्डिनेट तो 2 ही रहेगा, x कोऑर्डिनेट की बात करें तो 4 यूनिट इधर जाना है, तो कितना हो जाएगा, दिस वन -4, दिस वन -5, 6, 7, तो -7, 2 भी इस सर्कल पे होगा। ये सब पॉइंट से आपको एक आइडिया लग जाएगा, कोई दूसरा पॉइंट दे रहा है तो कहाँ होगा किधर होगा सब आइडिया लग जाएगा, इसलिए ट्रिक का यही पॉइंट है। फिर अगर मैं वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ करूँ, तो आप ध्यान से देखो, तो ये भी रेडियस ही होगा, राइट। तो अब यहाँ पे ये -3x तो फिक्स हो गया, 4 यूनिट ऊपर जाना 2 था, तो ये कितना हो जाएगा -3, 6। वैसे ही ये वाला -3 तो होगा ही, और 4 यूनिट नीचे आना 2, यहाँ 2 है, तो -2। तो ये चार पॉइंट तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, सेंटर से x एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, कि वो पॉइंट सब कहाँ पे होंगे, उससे आइडिया लग जाएगा आपको, राइट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। सर्कल में आपको ये भी मालूम है कि सेंटर से कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा,
ये रेडियस होंगे राइट, तो ये भी आपको मालूम है। टेंजेंट जब भी हम ड्रॉ करेंगे और नॉर्मल उसी पॉइंट पे, तो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के, राइट 90 डिग्री पे होंगे, तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होगा राइट। ये सब हम इजीली लगा सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे यूज करूँगा मैं। सिमिलरली नॉर्मल ऑलवेज, कोई भी नॉर्मल अगर सर्कल पे ड्रॉ करोगे तो वो ऑलवेज सेंटर से पास होगा, तो सेंटर उसको सेटिस्फाई करेगा, ये कंसेप्ट हम लगा सकते हैं। किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट को लाइन में पुट कर देते हैं सपोज करो, तो लाइन को आपको किस फॉर्म में लिखना है ये ध्यान रहे, स्ट्रेट लाइन होगी ऑलवेज, वही अगेन इस टाइप के फॉर्म में रखना है, इक्वल के इस साइड जीरो, बाकी सारा टर्म उधर, तो जो भी पॉइंट होंगे उसको इसमें पुट कर दो। तो जैसे यहाँ पे पुट कर दिया और उसका मॉड ले लेते हैं, नीचे में एक्स और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट अंडर, तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ये निकालने का तरीका। तो ये सारे चीज़ मैं यूज करूँगा, अब ध्यान से इसको समझ लो। क्वेश्चन नंबर वन, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दो सर्कल के बीच में कितने होंगे। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके लिए रफ़ी सर का ये ट्रिक आप ध्यान में रखना, ये 15 अप्रैल शिफ्ट वन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो, दो सर्कल के बीच कॉमन टेंजेंट, तो अगर मैं मानता हूँ कि दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, तो टच कर रहे होंगे तो क्या कंडीशन होगी, ध्यान से देखो। अगर एक सर्कल का सेंटर सी वन है, दूसरे का सी टू है, तो ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर वन हो जाएगा, ये आर टू, तो सी वन सी टू का जो डिस्टेंस होगा दो पॉइंट का, वो आर वन प्लस आर टू होगा राइट। तो ऐसे केस में किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कॉमन टेंजेंट कितना हो सकता है, तीन ही हो सकते हैं राइट, ये तीनों। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ, पहले सर्कल सी वन के लिए अगर सेंटर निकालूँ तो एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, वाई के कोफिशिएंट का हाफ राइट, और रेडियस आर वन निकालूँ तो रूट अंडर ऑफ नाइन का स्क्वायर प्लस 15 बाई 2 का स्क्वायर माइनस ये कॉफिशेंट कांस्टेंट वाला राइट, तो 131 हो गया। आप ध्यान से देखो, इसमें सॉल्व करने में ज़्यादा देर नहीं लगाना है, 81 प्लस 225 बाई 4 माइनस में 131, तो ध्यान से देखो तो ये 81 है, 131 है, माइनस बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 50 प्लस 225 बाई 4, आपको ऑप्शन ऐसे ही रहेंगे राइट, तो ये माइनस 225, तो ये 25 बाई 4 रूट अंडर में, तो ये कितना हो गया 5 बाई 2, डैट इज 2.5 राइट। दूसरा जो सर्कल है ध्यान से देखो C2, तो वो उसका निकालूँ तो कितना हो जाएगा, सेंटर 3.3, रेडियस अगर निकालूँ तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, और ध्यान दें ये माइनस है वो माइनस, प्लस हो जाएंगे तो 7, तो ये कितना हो गया 25, तो ये कितना हो गया 5, तो दोनों का जो रेडियस का सम हो जाएगा R1 प्लस R2 वो कितना हो गया 7.5। क्या C1 C2 का डिस्टेंस होगा, तो करके आप देख लो, 9 माइनस 3 राइट, C1 C2 अगर मैं निकालूं तो 9 माइनस 3 तो मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 15 बाई 2 माइनस 3, तो ये 2 3 6 राइट, तो कितना हो जाएगा 9 बाई 2, तो ध्यान से देखो तो ये 36 प्लस 81 बाई 4 रूट अंडर रहेंगे राइट, तो ये 4 6 24, 4 3 12 और 24 प्लस 81 बाई 4, तो ये ध्यान से देखो तो ये कितना आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ 225 बाई 4, डैट इज 15 बाई 2, डैट इज 7.5, तो एग्जैक्टली आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें आंसर कितना आ जाएगा 3। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो तीन कॉमन टेंजेंट होंगे, जब टच ही नहीं करेंगे तो चार कॉमन टेंजेंट होगी राइट। इस टाइप से आप देख सकते हो, चार कॉमन टेंजेंट हो जाएंगे। अगर इनसाइड से अगर कर रहा हो सिर्फ एक पॉइंट पे तो एक ही कॉमन टेंजेंट होगी, अगर कर ही नहीं रहा हो अंदर में है तो जीरो कॉमन टेंजेंट होंगे राइट। तो इस टाइप से आपको आइडिया होना चाहिए। तो जस्ट आप क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे और सेंटर के बीच का डिस्टेंस, और उसके बाद देखेंगे कि वो क्या हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में दो सर्कल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेडियाई R1 R2 है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है और इस लाइन से दो यूनिट का इंटरसेप्ट बना रहा है, तो इसकी वैल्यू बताना है राइट। अगेन ये 12 अप्रैल को शिफ्ट वन में 2023 में पूछे गए। तो देखो कैसे करेंगे, सिंपल एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करो और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो एक सर्कल बनाओ जो दोनों को टच कर रहा हो, सिंपल। तो यहाँ पे कोई सेंटर हो जाएगा सर्कल का, तो ध्यान से देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, रेडियस, और ये भी क्या हो जाएंगे, रेडियस। तो इसका मतलब जो रेडियस आर आर है, तो इसका जो सेंटर होगा वो आर कॉमा आर मैं ले सकता हूँ। तो
तो यहाँ पे ध्यान से समझना, यही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये एक्स डिस्टेंस, ये वाई डिस्टेंस। तो ऑलवेज जब कोई सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगा तो उसका जो सेंटर होगा वो आर आर हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है कि एक लाइन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू, जो इंटरसेप्ट कितने यूनिट का बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 यूनिट का, राइट। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, परपेंडिकुलर, और तो ये ध्यान से देखो, ये भी रेडियस होगा, ये ध्यान से देखो, ये भी रेडियस होंगे, बस ड्रॉ कर करके मैं कर रहा हूँ, राइट। तो ये 1 यूनिट हो जाएगा, ये भी 1 यूनिट हो जाएंगे, और ये लाइन आपको मालूम है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू है, या एक्स प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट से जो आर कॉमा आर था, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं लाइन का, अभी बताया था क्या करना है, पॉइंट को पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर माइनस टू डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, राइट। और इसका मॉड ले लो, दिस शुड बी इक्वल टू, ये लेंथ मैं निकाल सकता हूँ कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये रेडियस आर है, ये वन है, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो रेडियस आर का स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर, उसका रूट अंडर में लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, तो वही आ जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझे, तो ये क्या हो जाएगा, 2r - 2/√2 = r² - 1, और इसका रूट, तो दोनों साइड में स्क्वायर ले सकता हूँ, 2 कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, तो 4r - 1 = r² - 1। तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लें इसको, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 to the 4, तो ध्यान से देखो, 2 times a - b² a² - 2ab + b² = r² - 1। तो यहाँ से ध्यान से देखो, तो क्या हो जाएगा, 2r² इधर आएगा, तो r², ये -4r, और ये प्लस 2 इधर आएगा, तो एक और, तो 3 = 0। तो यहाँ पे देख सकते हो r की वैल्यू 1 और 3 दोनों सेटिस्फाई करेंगे, 1 पुट करो तो 1 और 3 4 माइनस 4 0 जाएंगे, 3 पुट करो तो 9, 3 12, तो ये रेडियस r1 r2, तो वही आ चुका हमारा। तो ये वैल्यू पूछा है, तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, -3 × 1, तो कितना गया ये आंसर, 7। तो ध्यान से देखो, मैंने कुछ नहीं किया, बस एक फिगर ड्रॉ कर करके कंडीशन लगा दिया और आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक पॉइंट ए है और दूसरा जो पॉइंट बी है वो इस कर्व पे है, तो सेंटर ऑफ लोकस ऑफ एनी पॉइंट पी विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी, ए बी का जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो अल्फा कमा बीटा है, तो लाइन सेगमेंट ए सी का क्या डिस्टेंस होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अगेन सिंपल, पहले एक रफ आपको डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, ये ध्यान से देखो, तो ये क्या है, एक सर्कल है हैविंग सेंटर एट 0, 0, रेडियस 4, तो एक आप ड्रॉ कर लें इस टाइप से, राइट। तो सर्कल का सेंटर 0, 0, रेडियस 4 है। अब क्या कर रहा है, एक पॉइंट है ए 1, 2, तो वो दिख गया 1, 2, मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 और इधर 2, ये यहाँ पे पॉइंट है आपका ए 1, 2, इनसाइड में होगा वो पॉइंट, और जो बी है वो एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व है, तो जब एनी पॉइंट है इस कर्व पे, कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो मैं इसी के पैरेलल वाला ले लूँगा ताकि ईजी हो जाएगा। तो ये अगर 1, 2 है, तो ये लाइन 2 चल रही है, तो यहाँ पे एक पॉइंट तो मुझे मिल चुका है 2, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना, तो कैसे निकालेंगे, x² + y² 16 है, x² नहीं मालूम, y वो पॉइंट मालूम है, तो 4 = 16, तो x² 12, तो x कितना आ गया, 2√3, तो इसका में आ चुका है कोऑर्डिनेट। अब ध्यान से समझो क्या कह रहा है, कि जो लाइन सेगमेंट ए और बी, ये पॉइंट बी हो गया, ये लाइन सेगमेंट ए बी, तो जैसे ये लाइन सेगमेंट ए और बी है, उसको जो डिवाइड करा हुआ 3:2 रेशियो, तो जब भी इस टाइप का दे, 3:2 का क्या मतलब हो गया, टोटल 5 पार्ट, 3 + 2, 5 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो 5 पार्ट में करना है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये कहने का मतलब है। तो पॉइंट कहाँ पर होगा, ये पॉइंट ये है यहाँ पे पॉइंट सी, राइट, जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है, तभी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 और यहाँ से यहाँ तक का 2, तो ये चीज़ समझ के रखना। तो डैट मीन्स क्या हो गया, कि अगर मुझे टोटल डिस्टेंस ए बी मिल जाए, तो ए बी डिस्टेंस का 3/5 times होगा वो, ये डिस्टेंस, राइट, जो पूछा आपसे। तो इसलिए अगर आप ध्यान से देखो, तो सब में इतना चीज़ कॉमन है,
राइट, सब में ये कॉमन है। और ये क्यों कॉमन है, क्योंकि ये रूट फाइव वो डिस्टेंस होगा जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, और थ्री बाई फाइव तो आना ही था राइट, क्योंकि रूट फाइव देखो ध्यान से सब में कॉमन है। थ्री बाई फाइव क्यों आया, क्योंकि मुझे ए से सी का बताना है ये डिस्टेंस, तो ए से सी वाला पार्ट ज़्यादा है और कितना है वो थ्री टाइम्स होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन तो मुझे आ चुका है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, समझे इस बात को। और सॉल्व भी करना तो वेरी सिंपल है, कैसे आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो वो आप सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा आपका रूट फाइव, तो टोटल डिस्टेंस रूट फाइव है, हमें यहाँ से यहाँ तक का चाहिए डिस्टेंस, तो ये कितना पार्ट है थ्री पार्ट और ये टू पार्ट था, तो इसलिए थ्री आउट ऑफ फाइव, सिंपल ऐसे करना है जब भी रेशियो वाले प्रॉब्लम आए तो। क्वेश्चन नंबर फोर, इस टाइप के कंसेप्ट दो बार पूछे गए हैं तो इसलिए अच्छे समझना। एक सर्कल है C1 राइट, इसका मिरर इमेज इस लाइन में अनदर सर्कल बनेगा राइट, ऑब्वियसली बात है C2, तो C2 का रेडियस अगर R है तो आपको ये अल्फा अननोन है और इस सर्कल का रेडियस R, तो अल्फा प्लस R की वैल्यू बताना था इस टाइप के क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो, मैं एक रफ डायग्राम बनाया हूँ, पहले अगर सर्कल C1 की बात करूँ तो x के कोफिशेंट का हाफ और y के कोफिशेंट का हाफ, तो सेंटर मिल जाएगा मुझे 2,1, तो मैंने 2,1 एक अंदाजे से ड्रॉ कर करके एक सर्कल बना दिया राइट। और रही बात इस सर्कल का रेडियस निकालना, तो सिंपल है 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 राइट, ये इस साइड जाएंगे और माइनस ऑलरेडी पहले लगा हुआ है, तो अल्फा माइनस 5 आ जाएगा राइट, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे तो रेडियस रूट अल्फा हो जाएगा। जो लाइन है y इक्वल टू 2x+1, तो ये स्लोप पॉजिटिव है, इसको ड्रॉ कर दिया एग्जैक्ट राइट। इस सर्कल का मिरर इमेज है ये, तो इसका सेंटर आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना है, जो सर्कल C2 है उसका कोफिशियंट 5 क्या है, तो जिसको मुझे क्या करना पड़ेगा 5 से पहले डिवाइड, क्योंकि एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट 1 रखना है, तो मैंने डिवाइड कर दिया 5 से, तो अब ध्यान से देखो तो ये 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में 2fx, तो इसलिए सेंटर क्या हो जाएगा f, और माइनस में 2gy, तो सेंटर हो जाएगा g। यहाँ पे ये पॉइंट एक ध्यान रखना था, सेंटर आ चुका, रेडियस क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर जे स्क्वायर माइनस में 36 और 5 से डिवाइड किया हुआ है, तो ये तो सिर्फ fg मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो मैं क्या कंसेप्ट लगा रहा हूँ, ये सर्कल है, ये लाइन है, इसका मिरर इमेज, तो सर्कल के सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या जो मिरर इमेज वाला सर्कल है उसके सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे राइट, तो डिस्टेंस को इक्वल कर दिया, तो पॉइंट को मैंने पुट कर दिया, तो एक तरफ ये आया एक तरफ ये आ गया राइट, तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 बचा, इधर मैं सर प्लस साइन के साथ ले या माइनस, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, तो ध्यान से देखो आप कि आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है मिरर इमेज वाले सर्कल का वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो जी पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे जी में नेगेटिव है, तो माइनस साइन के साथ मुझे खोलना पड़ेगा, तो इसलिए ये आ जाएगा, तो एक इक्वेशन बन गया जी माइनस 2f = 5, देखो विदाउट सॉल्विंग चल रहे राइट। नाउ द पॉइंट इज कि एक बात और क्लियर है कि दोनों सर्कल का रेडियस तो इक्वल होगा, ये एक कॉमन थिंग है जो बच्चे भूल जाते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं, भाई मिरर इमेज है ना, तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा डेट इज आर जो रूट अल्फा है, तो इस सर्कल का भी रेडियस रूट अल्फा ही होगा राइट, क्योंकि मिरर इमेज है, तो इस बात का ध्यान रखना। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब मैं एक और क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखो कि ये सेंटर और ये सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन में का स्लोप निकाल सकता हूँ, और ये लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी राइट, तो दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1, तो एक इक्वेशन मुझे यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि जी एफ दो अननोन थे, दो इक्वेशन चाहिए, तो वही क्या मैंने ध्यान से देखो 1 - g y2 - y1 2 - f x2 - s1, तो ये स्लोप और इसका स्लोप आपको दिख ही रहा है 2, इन दोनों का प्रोडक्ट -1, तो यहाँ से f + 2g 4 हो जाएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो g और f आ जाएंगे, तो ये g एंड f यहाँ पुट कर दोगे तो ये आपको आ जाएगा 1, तो रेडियस अगर 1 आ गया है मिरर इमेज वाले का, तो डेफिनेटली जो ये सर्कल है इसका भी रेडियस 1 ही होगा, क्यों, क्योंकि मिरर इमेज ये सेमी सर्कल है राइट, तो इसका 1 है, तो r की वैल्यू यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, तो अल्फ़ा भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और r भी 1, तो अल्फ़ा प्लस r पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा 2, तो ध्यान से समझो मैं कैसे कंसेप्ट को यूज कर रहा हूँ।